नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 4 जून 2023 को वर्धा रोड स्थित नेल्सन हॉस्पिटल में पल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का हुआ भव्य शुभारंभ। इसी विषय पर नेल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक चर्डे ने पत्रकारों से बात कर विस्तृत जानकारी दी। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक चर्डे, मैं पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ। नेल्सन हॉस्पिटल में देव पुजारी सर के प्रेरणा से हम लोग पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन कल करने वाले हैं, 4 जून 2023 को संडे को। इसमें नीरी के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल वैद्य सर ये चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। उसके साथ ही डॉक्टर विजय शेखरन सर जो खास इस प्रोग्राम के लिए चेन्नई से आने वाले हैं, ये भी हमारे यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर रहने वाले हैं। विजय शेखरन सर का पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में या फिर पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी फील्ड में काफ़ी वर्षों से काम रहा हुआ है। वो ऑलमोस्ट 30-40 साल से सर यहाँ इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों महान हस्ती हमारे साथ आने वाले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसके साथ ही हमारे नागपुर के जो सीनियर रिनाउंड पीडियाट्रिशियंस है, डॉक्टर उदय बोधनकर सर और डॉक्टर डीएन अग्रवाल सर, ये सर भी हमारे साथ एज गेस्ट ऑफ ऑनर रहने वाले हैं। और बाकी देव पुजारी सर और अदर नेल्सन की पूरी टीम रहने वाली है। बाकी भी जो पीडियाट्रिशियंस है उन सबको हमने कल इनवाइट किया है। इसमें हम लोग मेनली बच्चों के जो सांस की बीमारियां जो रहती है, जिसमें अस्थमा रह सकता है, न्यूमोनिया रह सकता है, बच्चों को आजकल स्लीप प्रॉब्लम या फिर नींद की बीमारियां जो आ रही है वो भी बहुत बढ़ गई है, तो इस सब के लिए हमारे यहाँ पे एक ही रूफ के अंडर सेवाएं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसमें PFT, फिनो, इम्पल्स ऑसिलोमेट्री, ब्रोंकोस्कोपी, स्लीप स्टडी, अस्थमा क्लिनिक, स्लीप क्लिनिक, ये सब सेवाएं हम लोग एक ही रूप के अंडर हम लोग ये चालू करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ इससे जो बच्चों को जो सांस लेने में जिनको तकलीफ़ होती है या फिर स्लीप के प्रॉब्लम रहते हैं, ऐसे बच्चे को काफ़ी मदद मिलेगा और करेक्ट डायग्नोसिस होके करेक्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।